वहीं चढ़दीकला टाइम टीवी की टीम ने नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया तो यहां से चुनाव लड़ रहे आजाद उम्मीदवार धर्मपाल गोंदर ने कहा कि नीलोखेड़ी हलके में बदलाव की लहर चल रही है। जिस भी गांव में वह प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर अपने आप लोगों की भीड़ जुट रही है। धर्मपाल गोंदर ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने साथ दिया तो वह निश्चित ही जीत दर्ज करेंगे और नीलोखेड़ी हलके के किसी भी व्यक्ति को कामों के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हर जगह उन्हें लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जनता उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। आदरणीय श्री राम ठावले को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उसके सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं जो हमारे समर्थन में खड़े हुए हैं। इसमें जो भी जुड़ रहे हैं बहुत ही अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। प्रेमखेड़ा मेरे गांव का ही हिस्सा है जी, और इन्हीं की ये जीत है, इन्हीं का ये टिकट है, अपना एक ही घर है, इनको बड़ा चाव है इसके लिए, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस से तलब करते थे, बीजेपी सब हमने देखा कि हम अपना कीमती वोट किस इंसान को दें, मिलकर धर्मपाल जी को खड़ा किया है। मैं तो यही अपील करता हूँ जनता को दिल से, जनता ने जिस तरह इसको मिलकर खड़ा है उसी तरह जोश होश से आखिर टाइम तक मिलकर साथ दें और धर्मपाल जी को जिताकर 21 तारीख को बैट के बल्ले पर निशान लगाकर इन्हें जिताकर चंडीगढ़ भेजें।